हेलो चो, कैसे हो? बहुत बढ़िया लग रहे हो मुझको तो। अच्छे हो ना? हाँ, वेरी गुड। तो कल की वीडियो देखी होगी सभी ने, पसंद आई? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। आज की वीडियो भी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है? इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे पीएच की। पीएच क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको। बहुत मजा आने वाला आज की वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी ये वाली। तो उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है। ओके, तो टॉपिक का नाम जैसे मैंने बोला दैट इज पीएच। पहले समझाते हैं पीएच क्या है, फिर उस पीएच के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पीएच बेसिकली हमारा एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर जो है ये दो तरह से हो सकता है, जिसमें हम उसे पीएच स्केल का नाम देते हैं, दैट इज ए पीएच स्केल। दो तरह के पीएच स्केल हमारे पास होंगे। पहला पीएच स्केल हमारा होगा न्यूमेरिकल या नंबर के बेस पे, दूसरा पीएच स्केल हमारे पास है कलर के बेस पे। ये नंबर के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है इसकी वैल्यू हम न्यूमेरिकल से फाइंड आउट करते हैं, और कलर के बेस पे जो पीएच है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो दिस कलर पीएच इज एक्सपेरिमेंटल एंड दिस नंबर पीएच इज न्यूमेरिकल। सेंटर में 7 होगा, यहां पर हमारे पास होगा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर हमारा न्यूट्रल कलर कहा जाता है। 7 से इस तरफ होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ग्रीन से इस तरफ हमारे पास होता है कलर कौन सा, रेड, ऑरेंज, येलो एंड सो ऑन। इस तरफ हमारे पास 7 से ज्यादा होंगे, मतलब 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यहां पर हमारे पास कलर होंगे कौन से होंगे, पर्पल होगा, वायोलेट होगा, ब्लू होगा, ठीक है? तो नंबर के बेस पे न्यूमेरिकल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, कलर के बेस पे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हमारा विबग्योर बनता है। विबग्योर जानते हो ना, वी बी जी वाई ओ आर, अलग से वी आई भी आता है। तो ये जी वाला पार्ट जो है वो न्यूट्रल है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट एसिडिक होगा, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा बेसिक होगा ऑन द पीएच स्केल, ठीक है? अगर हमारा पीएच इक्वल टू 7 है तो हमारा सब्सटेंस न्यूट्रल है। इफ द पीएच ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन 7 तो वो सब्सटेंस एसिडिक हो जाएगा, और अगर पीएच मोर देन 7 है तो वही सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज न्यूमेरिकल, ठीक है? समझ में सभी को ये बात आई ना? वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि सभी को ये बात समझ में आ रही है। ओके, एक्सपेरिमेंटल तो हम एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस जो आज के लेक्चर में रहेगा वो इस पर रहेगा, नंबर के बेस पे हमें पीएच को फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स का यूज करेंगे। और उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा कि पीएच को मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या लिख सकता हूं। तो पीएच इज रिटन एज माइनस लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन। वॉट इज लोग, इस लोग को हम कहते हैं लोगरिथम। लोगरिथम जो है ना वो एक मैथमेटिकल टूल है, और इस टूल के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का जो लिंक है ना वो कहां मिलेगा आपको, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे जाके चेक करना। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और उस थोड़ी सी मेहनत से आपको मिलेगी बहुत सारी नॉलेज, ठीक है? तो ये हम यूज करेंगे। तो पीएच हमारे पास है माइनस लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव। यहां पे जो ये स्मॉल पी है ना, ये स्मॉल पी, इस स्मॉल पी की वैल्यू होती है माइनस लॉग, ठीक है? मैं जिस भी
सिंबल के आगे पी लगा दूंगा, उस सिंबल के आगे माइनस लॉग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। समझ गए सब बातें वाली, तो इसे नोट कर लेंगे फिर। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पीएच की बात करते हैं कंप्लीटली। मैं बता चुका हूं पीएच का मतलब है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये जो बिग ब्रैकेट्स मैंने बनाई है ये सिंबलाइज करती है कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन की जो यूनिट हम यहां पर यूज करेंगे दैट विल बी मोलैरिटी एंड दैट इज मोल पर लीटर। ये टर्म 11th में आती है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि हम एक 11th का टॉपिक करने वाले हैं। मैं एक बार मोलैरिटी को समझा दूं क्या होता है। ये मोलैरिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है मोलैरिटी का। और 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो मोल है ना वो मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास के इक्वल, और 9th में तो मैंने ही करवाया था, है ना? ठीक है, तो ये जो चीज यहां लिखी है मैंने ये चीज कहलाती है नंबर ऑफ मोल्स, और ml बाय 1000 कहलाता है लीटर, तो इसलिए यहां पर आया मोल पर लीटर। हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कंसंट्रेशन डायरेक्टली गिवन होगी और उस कंसंट्रेशन की वैल्यू बस हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। उसको करने से पहले एक बार मैं कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा दूं आपको। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जैसे फर्स्ट, अगर मेरे पास लॉग 10 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसमें लॉग है ना उसका बेस 10 है। ये बेस क्या होता है इसकी भी कंप्लीट जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जानकारी प्राप्त करें और अपनी नॉलेज को एनहांस करें। ठीक है, नंबर टू, लॉगरिथम ऑफ ए मल्टीप्लाई बी विल बी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी, लॉगरिथम ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस लॉगरिथम ऑफ बी। ठीक है, फोर्थ जानकारी है लॉगरिथम ऑफ ए की पावर बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई लॉगरिथम ए। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अगर ये याद रहेंगी तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल जो इस पर बेस्ड होगा आप चुटकी बजाकर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास लॉग कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी मैं इंडिकेट कर देता हूं। अगर मेरे पास लॉग 2 है तो उसकी वैल्यू होगी 0.3, अगर लॉग 3 है तो उसकी वैल्यू 0.48, अगर लॉग 4 है तो उसकी वैल्यू 0.6 हो जाएगी, अगर लॉग 5 है तो उसकी वैल्यू होगी 0.69, अगर मेरे पास लॉग 6 आ जाता है तो उसकी वैल्यू होगी 0.78, अगर मेरे पास लॉग 7 आता है तो उसकी वैल्यू है 0.84, अगर मेरे पास लॉग 8 आता है तो उसकी वैल्यू है मेरे पास 0.90, अगर लॉग 9 आता है तो उसकी वैल्यू है 0.96 एंड लॉग 10 तो 1 है। तो ये भी कुछ कॉन्स्टेंट्स है, अगर आप चाहें तो इसको भी लर्न कर सकते हैं। अगर लर्न नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को संपर्क करो, इस वीडियो को देखो, कौन सी वीडियो को, जो इसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का नाम है लॉगरिथम हाउ टू फाइंड लॉगरिथम, उस वीडियो को पूरा देखो और समझ जाओ कि ये वैल्यूज कैसे आई है। ठीक है, इसे नोट करेंगे फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। ओके, तो पीएच जो है हम एसिड का भी निकाल सकते हैं, बेस का भी निकाल सकते हैं। पहले मैं पीएच निकाल लूंगा एसिड का, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम पीएच निकालेंगे बेस का भी। तो पहला एग्जांपल देखिए, तो वही हमें कहता है कैलकुलेट
pH of 0.001 mole per liter of HCl solution. ठीक है, तो HCl aqueous में है और मैंने ये बता चुका हूं पहले आपको पिछली वीडियोस में कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक्वस में एसिड H प्लस आयंस रिलीज करता है, इसलिए मैंने यहां पे एक्वस लिखा है। ठीक है, और हम आर्हेनियस के बेस पर ही पीएच को फाइंड आउट कर रहे हैं, समझे? बहुत बढ़िया। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, तो मुझे मिलेंगे एच पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, कंप्लीटली हुआ। तो अगर इसकी वैल्यू x है तो टूटने के बाद इधर भी x वैल्यू होगी और इधर भी x वैल्यू होगी, बिकॉज ये कंप्लीटली ब्रेक हो गया। x का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसके 100 पार्टिकल्स मेरे पास है, ये h और Cl है, अगर 100 पार्टिकल्स को मैंने ब्रेक कर दिया तो 100 मुझे h मिलेंगे और 100 ही मुझे Cl मिलेंगे। That is the meaning of complete dissociation. समझ गए सब बातें वाली? तो इसके अकॉर्डिंग HCl की वैल्यू है 0.001, तो H आयन की वैल्यू भी होगी 0.001 और Cl नेगेटिव की वैल्यू भी होगी 0.001। तो ये हुए हमारे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट विल बिकम माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.001 और 0.001 को मैं लिख सकता हूं 10^-3। ठीक है, दैट विल बिकम माइनस लॉगरिथम ऑफ 10^-3। यहां पर लगेगी प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, कौन सी प्रॉपर्टी है? लॉग ए की पावर बी, दैट विल बी बी लॉग ए, दैट विल बिकम माइनस ऑफ -3 लॉग 10, एंड आई नो दैट लॉग 10 इज इक्वल टू 1, दैट विल बिकम +3। तो जो पीएच हुआ इस सॉल्यूशन का, दैट कम्स आउट टू बी +3। ठीक है, इससे क्या करेंगे अब? नोट करेंगे, करो। तो अब अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल 1 लिखा रह गया यहां पे, बताओ इसे सेकंड करना था, सेकंड कर दिया मैंने। गलती तो हो जाती है इंसान से, गलती कौन नहीं करता, गलती सब करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उस गलती से सीखना और उस गलती से सीख के अपने आप को इम्प्रूव करना, ताकि वही मिस्टेक बार बार ना हो। अब मैंने गलती कर ली थी तो अब ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 मोल पर लीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और वो एक्वस में आर्हेनियस एसिड की बात हम कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद मुझे देगा 2H पॉजिटिव आयन प्लस 1 सल्फेट आयन। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है तो इसकी क्वांटिटी अगर X है तो इसकी क्वांटिटी होगी 2X और इसकी क्वांटिटी होगी X, क्योंकि डबल बन रहे हैं ना ये, मतलब अगर ये 100 है ना तो ये 200 होंगे और ये तो 100 ही रहेगा। हमें इस पर ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया है 0.005 क्वांटिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की, यहां पे जाके डबल होने वाली है, ये हो जाएगा 2 × 0.005, दैट विल बिकम 0.005। हमें इस पर ध्यान देना है, इसको सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.01, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अपना फॉर्मूला क्या था? अपना फॉर्मूला था या है और रहेगा माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, पुट करेंगे
माइनस लोग ऑफ 0.01, तो 0.01 होता है 10 की पावर -2। पुट करेंगे हियर माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2। आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी वाली, बताओ फटाफट फटाफट बताओ, बताओ ना यार। हाँ ठीक है, 1 पावर b वाली, तो -2 आगे आएगा लॉग 10, और लॉग 10 तो जानते हो ना क्या होता है, लॉग 10 होता है 1, दैट विल बिकम pH इज इक्वल टू 2। तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 2 निकल के आया, और उस सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.005 मोल पर लीटर, उसका पीएच 2, तो ये एसिडिक होगा। अब क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसके बाद एग्जांपल कौन सा लेंगे, बेस का नोट करेंगे। तो अब हमें कहा गया क्वेश्चन में कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोल पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, पीएच निकालना है हमको NaOH सॉल्यूशन का, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, तो NaOH जो कि एक्वस है डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव एक्वस में प्लस OH नेगेटिव एक्वस में, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, तो अगर ये 0.01 है तो ये भी 0.01 होगा और ये भी 0.01 ही होगा। pH हमें चाहिए, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, यहां पे जज कुछ है ही नहीं, उत्तरी योग्य हो गया। ओह माय गॉड, यहां पे तो N पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, हमें तो H पॉजिटिव चाहिए, कैसे निकालेंगे H पॉजिटिव अब। ओके चलो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और मैं एक बात जानता हूं फॉर्मूले में कि जो pH है और एक टर्म होती है pOH, इन दोनों का जो सम है ना वो 14 होता है, ठीक है। अभी pOH क्या है, व्हाट इज pOH, pOH का मतलब है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। चलो एक बात तो हमारे पास आ गई, हम pOH तो निकाल सकते हैं यहां से, हमको OH नेगेटिव आयन दिए हुए हैं ना, तो हम pOH निकाल लेंगे। अब ये टर्म कैसे आई है इसको मैं समझाता हूं इस न्यूमेरिकल के बाद, ठीक है। तो pOH हम निकाल सकते हैं, OH हमारे पास 0.01 है, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.01 दैट विल बिकम माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर -2, दैट विल बिकम माइनस ऑफ -2 लॉगरिथम ऑफ 10, दैट विल बिकम pOH बन जाएगा 2, बट हमें तो pH चाहिए, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, तो pH will become 14 - 2 यानी कि 12। This is the pH of sodium hydroxide. अब sodium hydroxide क्योंकि बेस है तो obviously उसका pH more than 7 होगा, और वो यहां पर प्रूव हो गया कि NaOH का pH है more than 7, जो कि 12 आंसर आया, इसे नोट करेंगे। चलिए, तो अब जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ये चीज जो मैंने यहां लिख दी है कैसे आई उसके बारे में समझते हैं। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वाटर का H2O लिक्विड। H2O इज सेल्फ आयोनाइज्ड, सेल्फ आयोनाइज्ड का मतलब होता है कि वो अपने आप ही आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो H2O में आयंस बनेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। टेम्परेचर हम जो लेंगे दैट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर थोड़ी सी बात करूंगा मैं एक्सपेरिमेंटल थिंग की। एक्सपेरिमेंटली ये देखा जा चुका है बहुत पहले कि इस टेम्परेचर पे जब वॉटर सेल्फ आयोनाइज होता है
तो एच आयन की कंसेंट्रेशन होती है 10^-7 मोल पर लीटर। अब क्योंकि वॉटर न्यूट्रल होता है तो OH नेगेटिव की भी कंसेंट्रेशन होगी 10^-7 मोल पर लीटर, क्योंकि जब H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव होगा तभी हमारा सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल होता है। बट अगर H पॉजिटिव ज्यादा हो OH नेगेटिव से तो हमारा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर H पॉजिटिव लेस हुआ OH नेगेटिव से तो हमारा सब्सटेंस जो है वो बेसिक हो जाएगा। ये वाली बात भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा मेन काम था ये वैल्यूज चेक करना, ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली आती है। अब pH हम जानते हैं क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ 10^-7, दैट इज -7 ऑफ -7 लॉग 10, दैट विल बिकम 7। तो pH हमारे पास बना वॉटर का 7, और दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। उसी तरह अगर मैं pOH निकालना चाहता हूं तो वो बनेगा माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दैट विल बिकम माइनस लॉग ऑफ 10^-7, दैट विल बिकम माइनस नॉट माइनस लॉग माइनस ऑफ -7 लॉग 10, लॉग 10 तो 1 होता है, तो pOH भी यहां पर क्या आ गया, 7 आ गया। अब अगर मैं pH और pOH को ऐड कर देता हूं, that will become 7+7, that will become 14. That is why pH plus pOH comes out to be 14. I think सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, फिर हमारी वीडियो फिनिश। ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं, इससे बोर तो नहीं हुए होगे ना, नहीं हुए होगे, मुझे पता है मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, बोर कैसे हो सकते हो, नोट कर लेंगे इसको। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आज के लिए। ये क्वेश्चन हमें दिया है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.05 मोल पर लीटर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वो सॉल्यूशन। अब वही बात करेंगे, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीटली आयोनाइज होगा वॉटर में, तो मुझे मिलेगा कैल्शियम 2+2 OH-। हमें pH चाहिए बट हमें तो दी है OH नेगेटिव, तो हम इससे pOH निकालेंगे। pOH निकालने के लिए हमें चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, जो हम फाइंड आउट करेंगे अब। तो इसमें दी है 0.05, तो ये भी होगी 0.05, ये हो जाएगी 2 × 0.05, दैट विल बिकम 0.1 मोल पर लीटर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो pOH होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.1 माइनस लॉगरिथम ऑफ 10^-1 माइनस ऑफ -1 log 10, तो pOH बनेगा 1। pH निकालेंगे, pH होता है pH plus pOH is equal to 14, तो pH होगा 14-pOH, 14-1, 13, तो pH of that solution comes out to be 13, क्योंकि ये बेस है इसलिए pH होगा more than 7, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमें अभी डायरेक्टली कंसंट्रेशंस दी गई थी, अब मान लीजिए कि हमें कंसंट्रेशंस नहीं दी जाती, हमें उनके मास दे दिए जाते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाता है, तो उसका यूज करके हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड मोलैरिटी फाइंड आउट करने के बाद हम उससे पीएच निकाल सकते हैं। ये इस तरह के न्यूमेरिकल हम ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो इतनी काफी है, बेसिक था, बेसिक अगर आप ग्रास्प कर जाते हैं तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर हमें अमाउंट दे रखी है
एसिड्स या बेस की, तो उससे हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, और एक बार अगर हमने मोलैरिटी निकाल ली तो हम उससे पीएच भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक सभी को ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो करना है वो करो, बट लेकिन करो जरूर, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जुड़े रहेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, आज भी मजा आया होगा, है ना, बहुत मजा आया होगा, तो ऐसा मजा आगे भी लेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।